हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 6 to 8 की ब्रीथिंग कैंपेन द्वारा दी जाने वाली एक्टिविटी शीट नंबर 58 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। डेट है 30 मार्च 2022। और इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले यहाँ पर कुछ रीडिंग इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इन्हें हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट है, लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनैलिटीज ऑफ द कैरेक्टर्स। आपको उसी हिसाब से अपनी वॉइस को रिफ्लेक्ट करना है, अपनी वॉइस की टोन को, जिस हिसाब से स्टोरी चल रही है और करेक्टर की पर्सनैलिटी है। जैसे कि अगर करेक्टर गुस्से में बात कर रहा है तो आप अपनी वॉइस को उसी हिसाब से कन्वर्ट करेंगे अपनी टोन को। उसके बाद डोंट रीड टू फास्ट, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं रीड करना और ना ही आपको बहुत ज़्यादा स्लो रीड करना है। वेरी योर पेस सो यू कैन पॉज फॉर इम्फेसिस। ऐसा नहीं है आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते जा रहे हैं, जब कॉमा आएगा, फुल स्टॉप आएगा तो उनके बीच आपको थोड़ा रुक कर पढ़ना है। और आज की जो हमारी स्टोरी है उसका नाम है स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी को रीड करना। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। चलिए अब रीड करते हैं कि आज की स्टोरी में क्या दिया गया है। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। राज वॉज अपसेट बिकॉज ही हैड डन पुअरली इन इंग्लिश डिक्टेशन दैट डे। ही वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड सल्ट व्हेन हिज ग्रैंड मदर केम एंड कम्फर्टेड हिम। राज बहुत ज़्यादा दुखी था क्योंकि उसने इंग्लिश की जो डिक्टेशन थी उसमें बहुत बेकार परफॉर्मेंस दिया था। वो अपने रूम में उदास बैठा था, तभी उसकी दादी यानी ग्रैंड मदर अंदर आती हैं। His grandmother sat beside him and gave him a beautiful pencil. उसकी जो grandmother हैं यानी जो दादी हैं वो उसके पास आकर बैठती हैं और उसे बहुत प्यारी सी पेंसिल देती हैं। Raj looked at his grandma. He was puzzled and said, "I do not deserve this pencil. I have not performed well in the test." His eyes were filled with tears. राज अपनी ग्रैंडमा यानी दादी माँ की तरफ देखता है और वो बहुत ज़्यादा उलझ जाता है कि वो ये इतनी सुंदर पेंसिल राज को क्यों दे रही है, जबकि उसने तो टेस्ट भी अच्छा नहीं किया। तो वो साफ साफ बोल देता है कि मैं इस पेंसिल को डिज़र्व नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने टेस्ट में बिल्कुल बेकार परफॉर्मेंस दिया है, अच्छे से परफॉर्म नहीं किया। ये बोलते बोलते उसके आँख में से आंसू आने लग जाते हैं। हिज ग्रैंडमा सेड विद अ लॉट ऑफ लव एंड कंपैशन, यू कैन लर्न मैनी थिंग्स फ्राम दिस पेंसिल। तुम इस पेंसिल से बहुत सारी चीज़ सीख सकते हो, उसकी दादी माँ बहुत ज़्यादा प्यार से बोलती हैं। इट इज़ जस्ट लाइक यू राज, ये पेंसिल भी तुम्हारी तरह ही है राज, वो बताती हैं। अ पेंसिल एक्सपीरियंस इज पेनफुल शार्पनिंग जस्ट अ वे यू हैव एक्सपीरियंस द पेन ऑफ नॉट डूइंग वेल इन योर टेस्ट। वो बताती हैं कि इस पेंसिल ने भी बहुत सारे पेनफुल शार्पनिंग सही है, जब आप शार्पनर से पेंसिल को शार्प करते हो तो जो दर्द पेंसिल को मिलता है वो सहती है। जिस हिसाब मतलब तुम्हारी तरह उसने ये सब एक्सपीरियंस किया है, जैसे तुमने टेस्ट में तुम्हें अच्छे मार्क्स नहीं मिले तो तुम्हें भी पेन का एक्सपीरियंस हुआ ना, उसी तरीके से पेंसिल को भी जब छीला जाता है तो पेंसिल को भी पेन होता है। ये एकदम तुम्हारी तरह ही है। However, it will help you to be a better student. लेकिन फिर भी वो तुम्हें better student बनाने में मदद करती है। पेंसिल की मदद से ही अपने नोटबुक में आप कुछ लिखते हो और फिर आप better student बनते हो, है ना। Just as all the good that comes from the pencil is from within itself, you will also find the strength to overcome this hurdle. जैसे कि पेंसिल खुद अंदर से इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें करवा देती है। आप पेंसिल से लिखते हो और पेंसिल से ही आपकी शुरुआती पढ़ाई शुरू होती है। पेंसिल से ही आप लोग धीरे धीरे बड़े होते हो उससे लिखते हुए, और उसी से आप इतना सारा ज्ञान, इतनी सारी नॉलेज प्राप्त करते हो। इसी तरीके से आप राज को वो समझाती हैं कि तुम भी अपने अंदर स्ट्रेंथ ढूंढ सकते हो और ये जो तुम्हारा हर्डल है इसे ओवरकम कर सकते हो, यानी तुम्हें भी अपने अंदर अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाना होगा। एंड फाइनली जस्ट एज दिस पेंसिल विल मेक इट्स मार्क ऑन एनी सर्फेस, यू टू शैल लीव योर मार्क ऑन एनी थिंग यू चूज। और फाइनली जैसे इस पेंसिल से आप कहीं पर भी लिखते हैं, दीवार हो गई, पेपर हो गया, कहीं पर भी ये अपना मार्क, अपना निशान छोड़ जाती है। इसी प्रकार से वो राज को समझाती हैं कि तुम भी अपना निशान किसी भी चीज़ पर छोड़ सकते हो, जो तुम बनना चाहते हो, जो चीज़ तुम्हें पसंद है, जो भी चीज़ तुम चूज़ करोगे ना, तुम उस पर अपना निशान छोड़ सकते हो, अपना मार्क छोड़ सकते हो। द पेंसिल टीचेज अस टू बी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड, और यही पेंसिल हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनने को सिखाती है, हमें सिखाती है कि हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।
इट ऑल्सो टीचेज अस टू इम्प्रूव अवर वीकनेसेस कन्वर्टिंग डैम इन टू अवर स्ट्रेंथ्स. और ये हमें ये भी सिखाती है कि जितनी भी हमारी वीकनेसेस हैं, कमजोरियाँ हैं, उन्हें हमें इम्प्रूव करना चाहिए, उन कमजोरियों को अपनी ताकत बनाकर. Raj felt consoled and promised himself that he would do better by being like a pencil and do well in future. दादी माँ के इस तरीके से समझाने से राज को बड़ा अच्छा फील हुआ और उसने खुद से ही वादा किया कि वो आगे बहुत अच्छा करेगा इसी पेंसिल की तरह, और अच्छे से फ्यूचर में जो है अपना अच्छा काम करेगा और अच्छा बनेगा फ्यूचर में, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता रहेगा, जितने भी उसकी कमजोरियाँ हैं ना उनको ताकत में कन्वर्ट करेगा. तो यही चीज़ हमें भी अपनी लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए. वी ऑल हैव द स्ट्रेंथ टू बी हु और व्हाट वी विश टू बी. मोरल इस स्टोरी का यही लिखा हुआ है कि हमारे अंदर सारी स्ट्रेंथ है, हम जो भी बनना चाहते हैं उसके काबिल हम हैं, बस हमें उन स्ट्रेंथ को ढूंढना है और जितनी भी हमारी वीकनेसेस हैं उनको नज़रअंदाज करना है और उनको इम्प्रूव करते रहना है. ठीक है, और एक गलती हुई कोई नहीं, आगे के लिए आप प्रिपेयर करो, उस गलती को दोबारा होने मत दो. अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन आप आगे के लिए अच्छी तैयारी कर सकते हैं ना. तो यही चीज़ आपको यहाँ इस स्टोरी के माध्यम से सिखाई गई है और एग्जांपल लिया गया है पेंसिल का, कि पेंसिल की तरह ही हमें बनना है और अच्छा अपने फ्यूचर में काम करके दिखाना है. अब यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, 3 एक्टिविटीज़ हैं, इन्हें हम लोग देखेंगे. इससे पहले हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस पे मॉन्यूमेंट क्विज चल रहा है. अगर आप मॉन्यूमेंट क्विज खेलना चाहते हो, क्योंकि ये भी आपकी नॉलेज बढ़ाने वाला ही एक क्विज है, ठीक है, तो इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगी. आप जाकर मॉन्यूमेंट क्विज ज़रूर खेलिएगा और इसमें आप लोग प्राइज़ भी जीत सकते हैं. ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर उसे खेल सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं, चलिए इनको देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, हु All are there in your family. आपके फैमिली में आपके जो परिवार है उसमें कौन कौन है. Write one quality about each member which you like the most. आपको हर एक member के बारे में एक एक quality लिखनी है, एक एक उसकी विशेषता लिखनी है. तो आप बता सकते हैं, there are 3 members other than me in my family. My father, mother and my brother. यानी यहाँ मैंने लिखा है कि मेरे अलावा मेरे परिवार में 3 सदस्य और हैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरा भाई. ठीक है, तो आप भी लिखिएगा जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनके नाम आप लिख सकते हैं कि कौन कौन है आपके फैमिली में. देयर क्वालिटीज़ आर, अब आप उनकी क्वालिटीज़ बतानी है आपको. ठीक है, तो फादर, फादर हम कह सकते हैं ही इज़ हार्ड वर्किंग, है ना, वो हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करते हैं. मदर, शी इज़ सो काइंड एंड हेल्पफुल टू ऑल, वो बहुत ज़्यादा दयालु हैं और सबके लिए बहुत मदद करती रहती हैं. ठीक है, ब्रदर, ब्रदर ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ब्रदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. तो इस तरीके से आप जो है क्वालिटीज़ लिख सकते हो. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, थिंक ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू होमवर्क. होमवर्क से रिलेटेड आपको सारे वर्ड्स सोचने हैं और उन्हें अपनी नोटबुक में लिखना है, और होमवर्क से रिलेटेड एक शॉर्ट स्टोरी आपको क्रिएट करनी है. होमवर्क से ही रिलेटेड नहीं, जितने भी हमारे जो स्कूल है उसमें बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे हमने अभी ये कहानी पढ़ी है ना, इस कहानी में कौन सा शब्द था, पेंसिल हो गया, टेस्ट हो गया, है ना, तो ये सारे जो शब्द होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टडी, टीचर, क्लासरूम एक्सेट्रा, तो ये जो आपके स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड शब्द होते हैं, स्टडी, क्लासरूम, टीचर, टेस्ट, प्रिपरेशन, तो इन सब वर्ड्स से आपको एक शॉर्ट स्टोरी क्रिएट करनी है. तो देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पर 2 स्टोरी लगाई हैं, एक मीडियम साइज स्टोरी है, हम कह सकते हैं थोड़ी बड़ी है, और अगर आप इससे भी शॉर्ट स्टोरी जो है लिखना चाहते हो तो वो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि इससे भी शॉर्ट आप कैसे लिख सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस स्टोरी को रीड करते हैं. The morning bell rang and as the students entered the classroom, they saw a note on the board. It said that all students to quickly leave their bags and come to the school auditorium. तो जैसे ही मॉर्निंग की बेल बजी और बच्चे क्लासरूम में आए, उन्होंने बोर्ड पर लिखा हुआ एक नोटिस पढ़ा जिसमें बताया गया था कि बच्चों को जल्दी से अपने बैग वहीं क्लास में छोड़कर स्कूल ऑडिटोरियम में आना है. All of them rushed to the auditorium and as soon as they entered, they were surprised. जैसे ही वो गए हॉल में, वो सरप्राइज हो गए. What they saw was the most unexpected thing. उन्होंने जो देखा वो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी. They saw their teachers sitting on chairs in school uniform. उन्होंने देखा कि जो हमारे teachers हैं वो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं school की uniform पहनकर. All their school teachers sitting in the hall. सारे के सारे जो अध्यापक थे स्कूल के, वो हॉल में ही बैठे हुए थे. All students turned and saw principal sir wearing the same apparels. फिर principal sir को उन लोगों ने देखा और principal sir ने भी school uniform पहन रखी थी. He asked all of them to sit on the chairs. उन्होंने बोला कि सारे बच्चे कुर्सियों में बैठ जाइए. Then begin the fun. फिर आया
फन की बारी, फिर फन हुआ, बहुत मज़ा आया उस दिन. ऑल टीचर्स केम अप ऑन द स्टेज इन ग्रुप्स एंड इनेक्टेड द एक्चुअल सीन ऑफ क्लासरूम्स. सारे टीचर्स स्टेज पर खड़े हुए और उन टीचर्स ने जो क्लासरूम में बच्चे करते हैं हरकतें और पढ़ाई, उस सबको उन्होंने एक्ट किया. ठीक है, एक्ट यानी उन्होंने एक नाटक किया सारे टीचर्स ने मिलकर स्टेज पर, कि क्लासरूम में बच्चे किस तरीके से रहते हैं. पूरे क्लासरूम का सीन उन्होंने क्रिएट किया. दीज सीन्स वर नॉट ओनली हिलेरियस बट दे आल्सो हैड अ मैसेज इन दैम. द टीचर्स सी एवरीथिंग इन क्लास बट स्टे साइलेंट. सारे टीचर ने जितने भी सीन्स किए वो बहुत मज़ेदार थे और इससे हमें एक मैसेज भी मिला कि टीचर सब कुछ नोटिस करते हैं क्लास में लेकिन साइलेंट रहते हैं. द टीचर परफॉर्म ऑन वेरियस सॉन्ग्स, सैंग सॉन्ग्स एक्सेट्रा. और टीचर्स ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की स्टेज पर. क्यों? क्योंकि वो 14 नवंबर का दिन था, चिल्ड्रंस डे था, इसलिए टीचर्स ने ये सारा फन किया. द स्टूडेंट्स हैड अ फन टाइम एंड दे ऑल एंजॉयड दैट डे. और उस डे को सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इंजॉय किया. तो ये एक स्टोरी हो गई स्कूल से रिलेटेड. अब जो अगर आप इससे भी शॉर्ट स्टोरी लिखना चाहते हैं आंसर में, तो आप ये वाली कहानी लिख सकते हैं. वन डे इंग्लिश टीचर वॉज शोइंग प्रेजेंटेशन इन प्रोजेक्टर अबाउट चैप्टर. एक दिन इंग्लिश की जो टीचर थी वो प्रेजेंटेशन शो कर रही थी प्रोजेक्टर पर चैप्टर से रिलेटेड. रमेश नेम द स्टूडेंट वॉज टॉकिंग अबाउट हिज पास्ट इवेंट्स एंड फन टू हिज फ्रेंड. रमेश नाम का बच्चा बहुत बातूनी था और वो बात ही करने जा रहा था अपने दोस्त से. इंग्लिश टीचर लिसन हिज टॉक्स एंड स्टार्टेड स्कोल्डिंग एट हिम. इंग्लिश टीचर ने उसकी बातें सुनी और उसने डांटना शुरू कर दिया. हाँ, ही अपोलोजाइज्ड हिज टीचर एंड गोइंग टू द लाइब्रेरी इन सर्च ऑफ बुक्स. उसने अपनी टीचर से माफ़ी मांगी और उसके बाद वो लाइब्रेरी में गया. उसे एहसास हुआ कि मुझे कुछ करके दिखाना है, इसलिए वो लाइब्रेरी में गया बुक की खोज करने. हिज लाइब्रेरी टीचर वॉज सो रूड एंड शी डिडंट अलाउ स्टूडेंट टू टच द बुक्स. ही गोइंग टू लाइब्रेरी एंड हिज करेज टू टॉक वॉन द हर्ट्स ऑफ लाइब्रेरी टीचर. ही स्टडी बुक इन स्कूल फुल मार्क्स इन इंग्लिश एग्जाम. तो क्या बोला गया है, देखिए, उसकी जो इंग्लिश की टीचर थी वो बहुत ज़्यादा रूड थी और वो किसी भी बच्चे को अलाउ नहीं करती थी किसी भी बुक को छूने के लिए. लेकिन उसने करेज दिखाया, उस बच्चे ने हिम्मत दिखाई और लाइब्रेरी की जो टीचर थी उससे बात करी, उनसे बात करी और बुक को छूने के लिए बोला कि क्या मैं बुक पढ़ सकता हूँ. तो उसके इस करेज को देखते हुए जो लाइब्रेरी की टीचर थी उन्हें अच्छा महसूस हुआ और लगा कि कोई बच्चा है जो करेज से मेरे से बात कर रहा है. तो फिर लाइब्रेरी टीचर उस पर बहुत खुश हुई और उन्होंने अनुमति दे दी बुक पढ़ने की. और फिर बच्चा जो था उसने बहुत सारी बुक्स पढ़ी और इंग्लिश एग्जाम में फुल स्कोर किया. तो ये स्टोरी है जो आप लिख सकते हो. ये थोड़ी शॉर्ट है और जो मैंने आपको पहले ये वाली स्टोरी दिखाई ये थोड़ी लॉन्ग है. ठीक है, तो कोई भी स्टोरी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर ये हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. द अबव स्टोरी इज अबाउट बींग होपफुल एंड नेवर गिविंग अप. थिंक ऑफ एन इंसिडेंट वेन योर परफॉर्मेंस वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री इन योर क्लास टेस्ट. अब देखिए, आपको एक ऐसी जो है वो सोचना है, घटना सोचनी है जिसमें आपका जो क्लास टेस्ट है उसमें आपके कम मार्क्स आए हों या अच्छा नहीं गया होगा आपका क्लास का टेस्ट या कोई भी चीज़. हाउ डिड एन एल्डर एट होम कंसोल यू. उसके बाद आपके बड़े जनों ने आपको समझाया हो, आपको सपोर्ट दिया हो. तो ये इंसिडेंट आपको सोचना है. राइट अबाउट योर एक्सपीरियंस इज नॉट मोर देन 50 वर्ड. अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करना है 50 वर्ड्स के अंदर अंदर. तो जैसे हमने स्टोरी पढ़ी वर्कशीट में, उसमें दादी माँ ने राज को समझाया कि कोई नहीं, अब हम लोग क्या कर सकते हैं. उन्होंने पेंसिल का एग्जांपल दिया. राइट, तो ऐसे ही अगर आपके किसी बड़े जने ने आपको समझाया हो, जब आपसे कोई गलती हुई हो या आपके मार्क्स बहुत कम आए हों, डांटने के बजाय समझाया हो या फिर आपको डांट कर ही अच्छे से समझाया हो, मतलब आपके एल्डर्स चाहते हैं कि आप अच्छा करें, है ना, तो वो आपको ज़रूर समझाते होंगे. तो आपको कोई भी एक इंसिडेंट आपको लिखना है यहाँ पर जिसमें आपके बड़े जनों ने आपको कुछ समझाया हो. ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि मैं सैड हो गया, एक बार मेरा यूनिट टेस्ट था उसमें मेरे कम मार्क्स आए, मैं बहुत उदास हो गया लेकिन मेरे मदर ने, मेरे फादर ने मुझे समझाया कि कोई नहीं, अगर अब अच्छा नहीं हुआ तो आगे आप मेहनत करो, आगे आप ज़रूर अच्छा करोगे. तो ऐसे आप इंसिडेंट लिख सकते हो. जैसे मैंने लिखा है एग्जाम्पल के लिए, आई हैड अ यूनिट टेस्ट ऑफ इंग्लिश इन माई स्कूल. यानी मेरे स्कूल में एक इंग्लिश का यूनिट टेस्ट था. आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट वेरी वेल बट वेन द टेस्ट पेपर केम आउट आई पैनिक्ड एंड आई फॉरगेट एवरीथिंग ड्यू टू पैनिक. जैसे ही पेपर आया, मैंने याद तो बहुत अच्छे से किया था लेकिन जैसे ही पेपर आया मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी. उसी घबराहट के चक्कर में मैं सब भूल गया. इसी वजह से आई गॉट वेरी लो मार्क्स इन दैट टेस्ट. मुझे बहुत कम नंबर मिले. आई रीच होम एंड वेरी सैड एंड सेट क्वाइटली इन अ कॉर्नर ऑफ माई रूम एंड फेल्ट वेरी सैड. मुझे बहुत दुख हुआ और मैं अपने रूम में जाकर चुपचाप एक कॉर्नर में
बैठ गया या बैठ गई। देन माई मदर केम इन द रूम एंड आस्क द रीज़न ऑफ माई सैडनेस। फिर मेरी मदर रूम में आती हैं और मेरे सैडनेस का रीज़न पूछती हैं। आई टोल्ड देम एवरीथिंग, फिर मैंने उनको सब कुछ बताया। देन सी एक्सप्लेन टू मी दैट वी कॉन्ट फिक्स द मिस्टेक दैट हैज़ हैपन नाउ बट वी कैन प्रिपेयर टू फिक्स इट इन फ्यूचर। आई अंडरस्टूड हर पॉइंट एंड नेक्स्ट टाइम आई गॉट वेरी गुड मार्क्स इन द टेस्ट। फिर मेरी मदर ने मुझे समझाया कि अब जो हुआ उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आगे जो फ्यूचर है उसके बारे में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके लिए हम अभी प्रिपरेशन करेंगे तो फ्यूचर में आपको ज़रूर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और इसे मैंने समझ के मैं अपने मॉम का पॉइंट समझा और मैंने क्या किया, अच्छे से प्रिपरेशन की और अगली बार जो टेस्ट था उसमें बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एंड आई होप आज की वर्कशीट आपको समझ आई होगी। इतने ही क्वेश्चंस थे आज की वर्कशीट में। और अगर आपको आज की वर्कशीट समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।